मैंने कहा भजन में गलत धारणा। वो क्या गलत धारणा है? एक भजन है, दो लाइन है। घर घर ठोकर खाने से क्या है? घर घर ठोकर खाने से क्या तुझको हासिल होगा? होगा वही जो बंदे तेरे किस्मत में लिखा होगा। क्या बोल रहे हैं? ये सुनोगे तो आपको जो होगा वो किस्मत में लिखा हुआ ही होगा, पक्का है ना? बोलो, जो तकदीर में लिखा वही होगा क्या अलग होगा? किस किस को इसका विश्वास है वो हाथ ऊंचा करो भाई। जो तकदीर में होगा वही होगा, हाथ ऊंचा करो। मृगंडू ऋषि हुए हैं। कौन है? मृगंडू ऋषि बड़े शिव भक्त हैं। क्या भक्त हैं? शिव शिव भोलेनाथ की भक्ति में जीवन बिता दिया और ऋषि मुनि हैं, संसार जोड़ा। आपको कितना टाइम मिलता है महाराज भक्ति करने? ऋषि मुनि को दूसरा क्या काम है? उनका काम क्या है? भजन करना। आपको कितना टाइम मिलता है? पूरा टाइम चाहिए कि आपको ऋषि मुनि बन जाओ? आपको भी पूरा टाइम मिलेगा। संसार में रहने वाले को क्या भक्ति करने पूरा टाइम मिलेगा? इसलिए उस माँ को मालूम पड़ गया मेरा बेटा भी रूलेगा इस संसार में, अच्छा है कि इसका कल्याण हो जाए। उसको मुझे दान दे दिया उसने, बच्चे को आप दान में रख लो। कोई दिया हीरा पन्ना, कोई दिया सोना चांदी, लेकिन सबसे बड़ा दान है अपने बेटे को संत बनाना। क्या बनाना? संत बनाना। तो मृगंड ऋषि ने शंकर जी की तपस्या की, बहुत बड़ी तपस्या। तपस्या से शंकर जी प्रसन्न हुए, दर्शन दे रहे हैं प्रभु। माँ के साथ नंदी पर आरूढ़ होके भगवती भगवान ने प्रत्यक्ष मृगंड ऋषि को दर्शन दिया। बड़े पुलकित हो गए मृगंड ऋषि के साक्षात भगवान आ गए। धन्य हो गया मैं, मेरी तपस्या सार्थक हो गई। प्रभु आपको प्रणाम, मेरी तपस्या आपने धन्य कर दिया, आपको कोटि नमन। शंकर जी कहते हैं बेटा मृगंडू क्या मांगना है? प्रभु आपसे क्या मांगू, आपने सब कुछ दिया है, लेकिन मेरे बाद मेरे खून का अंश आपका नाम लेता रहे, भक्ति करता रहे, ये मैं चाहता हूँ। लेकिन अब मेरे पास तो ऐसा कोई संतान नहीं है कि मेरे बाद भी आपका गुणगान कोई मेरे घर से कर सके। मैं जाऊँ ना मेरा घर तो समाप्त हो जाएगा। मैं इसलिए नहीं चाहता बच्चा कि मेरा पिंड दान करेगा कि श्राद्ध करेगा। मैं भूत बन के फिरूं इसकी मुझे चिंता नहीं, मुझे दुर्गति हो जाए तर्पण श्राद्ध के बगैर उसकी चिंता नहीं, लेकिन मेरे बाद मेरे हजारों पीढ़ियां आपका गुणगान करता रहे ये मैं चाहता हूं। आपको भी मैं बता दूं, आपके संतान ईश्वर के संतान हैं ये समझो ना। ईश्वर के संतान बनाने में लगे रहोगे तो वो संतान से आपको कभी दुख नहीं आएगा, लेकिन संतान को आप आपका समझते हो और आपका बनाने में लगे हो, यही सबसे बड़ा दुख है। ईश्वर का दिया हुआ ये सोच लो ने, ईश्वर का है ये सोच लो तो कभी दुखी नहीं। मेरा बेटा, मेरा बेटा वही अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम में ले जाके आपको ढकेलता है। मृगंड ऋषि के बात को मान के शंकर जी प्रसन्न हो गए। मृगंडो मैं आ ही गया हूँ, तू खाली नहीं जाएगा, मेरे आने के बाद कोई खाली नहीं जाएगा। मैं आशीर्वाद देता हूँ तुझे पुत्र मिलेगा, लेकिन एक शर्त है, पुत्र 16 वर्ष का ज्ञानी भक्त चाहिए के 100 वर्ष का अज्ञानी मूढ़ चाहिए। आप लोग तो उम्र देखोगे, मृगंड ऋषि ने गुण देखा। आप होते तो कहोगे कि भाई रहना लंबा, 16 वर्ष का बेटा क्या काम का महाराज, आप तो 100 वर्ष का बच्चा दीजिए भले ही नालायक हो। इसलिए आप सबके पास नालायक बहुत सारे आ गए हैं। कौन आ गए हैं? नालायक है ना, नालायक। लेकिन मृगंड ऋषि ने बोला 16 वर्ष भी क्यों ना जिए प्रभु, वो बच्चा आपका नाम स्मरण करने वाला भक्त होना चाहिए, मुझे यही चाहिए। प्रभु ने वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, चल 16 वर्ष तक जीने वाला बेटा तेरा मंगल करने वाला बेटा निकलेगा। हाँ, तो बेटा शुभ समय पाके गर्भिणी हुई, माता
और 10वें महीने में एक सुंदर बालक जन्म लिया। सभी बालक रोते रोते जन्मते हैं और 1.5 वर्ष बाद बोलते हैं, 1 वर्ष बाद बोलते हैं। लड़के थोड़े जल्दी बोल, लड़के थोड़े धीरे बोलते हैं, लड़कियां थोड़ी जल्दी बोलती बोल लेती है ना। लेकिन ये लड़का जैसे ही जन्मा, दाई ने उसका जीभ बाहर निकाला और फटका के ये भी, क्योंकि हम रोने से शुरू होते हैं, अंत में दूसरों को रुला के चले जाते हैं। हम क्या करते हैं, रोने से शुरू होते हैं, हम जो देंगे वही मिलेगा। देखो हमने रोना दिया जन्म लेके, अंत में दूसरे हमारे लिए रोते हैं। व्हाट यू डू विल गेट। तो अब देखो महाराज, बच्चा जन्म लिया, दाई फटकार रही है, बच्चा रोना चाहिए ना। हाँ, बच्चा रोया नहीं, जन्मजात बच्चा अभी माट के पेट से निकला है, बोलने के लिए 1 से 1.5 वर्ष चाहिए। ये शिव की कृपा से उत्पन्न बच्चा जन्म लेते ही ओम नमः शिवाय बोला। क्या बोला? ओम नमः शिवाय। जन्म लेते ही ओम नमः शिवाय बोला। मृगंडु ऋषि का पुत्र होने से उसका नाम हुआ मार्कंडेय। क्या नाम रखा? मार्कंडेय। बड़ा मार्कंडेय प्रभु भक्त, स्कूल में टीचर सिखावे क अ अनार। क्या सिखाते हैं टीचर? अनार। अ याने अनार। आज बच्चों को सिखाएं अ, या पहले सिखाएं अ अनार, अब अ आपिल फोन। कौन सा फोन? आपिल फोन। हाँ, तो बच्चे को सिखाएं अ अनार, तो बच्चा बोले नमः शिवाय। टीचर बोले 2 2 4, वो बोले नमः शिवाय। परेशान हो गए शिक्षक कि कुछ भी इसको सिखाओ ये बोलता है नमः शिवाय, इसको पढ़ाया नहीं जाएगा, ऋषि जी आप अपने घर में रखो। माँ ने सोचा प्रभु का भक्त 16 वर्ष ही जिएगा, पढ़ के भी क्या करेगा बेटा, तू तो शिव पूजा भक्ति में लग। उसको भी लगा कि प्रभु भक्ति से बड़ा क्या, शिव की भक्ति से। देखो गर्भकाल में आपको भक्ति आ गई, आपका भक्त भी संस्कारी होगा। बेलपूरी खाने न, अचार खाने न, राख खाने न, घूमने फिरने में लगो तो राक्षसी तुम्हारे पेट में उत्पन्न होगा। तो बड़े भक्त का पुत्र था, भक्त था, 24 घंटे शिवालय में दिन बिताए। शिवालय बंद करने वाला पुजारी परेशान हो जाए, महाराज निकलो अभी मंदिर बंद करना है। इतना जल्दी मंदिर बंद कर दोगे, कितनी बजी है? 10 बजी है। 10 बजे मंदिर बंद कर दोगे? पुजारी जी पूरा 24 घंटा रखो नहीं, प्रभु के मंदिर को बंद क्यों करते हो, मुझे 24 घंटा प्रभु की भक्ति करनी है। अरे महाराज जी क्या आप ब्राह्मण जी नींद नहीं लोगे, आप जाके सोओगे नहीं? अरे सोना तो भैंस गधे भी करते हैं महाराज। पुजारी जी मनुष्य जन्म किस लिए मिला है? सोने खाने मिला है, भगवान की भक्ति करने मिला है। मुझे सोना नहीं है, मुझे भक्ति करना है। जय हो। ऐसे उम्र बिताते, कितना उम्र बीत गया, 16वां वर्ष आज पूरा होने का दिन आया। अब क्या होना है, सब माता पिता को भी मालूम है कि इसका उम्र कितना। प्रभु ही पहले ही वरदान देते समय स्पष्ट करके ही वरदान दिए है, होशियार भक्त चाहिए 16 वर्ष, मूर्ख चाहिए 100 वर्ष। कई मूर्ख भारत में बाहर बने हुए हैं 100 वर्ष के। उम्र कितना है ये नहीं देखना, ज्ञान कितना है। छोटा उम्र में बड़ा ज्ञानी है, गुरु है, बड़े उम्र में अज्ञानी है, मूर्ख है। हाँ, अभी महाराज 16वां वर्ष पूरा हुआ, हरदम शिवालय जा रहे हैं। माता पिता बोले आज तो मेरे पास रह बेटा, आज तो रे अंतिम दिन है, क्या होगा तुझे देख लेंगे, कल ये आत्मा निकल गई तो इस शरीर का क्या करेंगे, हमारे पास रहे तेरे जे मिलेंगे लाड करेंगे। बच्चा अपने स्वभाव व शिवालय पहुंच गया। जैसे ही वो जन्मा और जन्म के समय के हिसाब से 16 वर्ष पूरा हुआ, जैसे ही 16 वर्ष पूरा हुआ, शिवालय में शिवलिंग को वो भजन करके रिझा रहा है। क्या कर रहा है? रिझा रहा है। हाँ, प्रभु का भजन करके, चांपे य गौरार्ध शरीर काय कर्पूर गौरार्ध शरीर काय धम्मिल काय च जटाधराय नमः शिवाय च नमः शिवाय कस्तूरिका कुंकुम चर्चिताय चितारज पुंज विसर्जिताय कृतस्मराय विकृतस्मराय नमः शिवाय च नमः शिवाय जनत क्वनत कंकन नूपुराय पादाब्जरा जत्पनि नूपुराय हेमांगदाय भुजगांगदाय नमः शिवाय च नमः शिवाय विशाल नीलोत्पललोचनाय विकासि भंगेरुहलोचनाय समेक्षनाय विषमेक्षनाय नमः शिवाय च नमः शिवाय
मंदार माला कलिदाल काय कपाल माला हंसित गंधराय दिव्यांबराय दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय अंबोदर श्यामल कुंतलाय तटित प्रभाताम्र जटाधराय निरीश्वराय निखिलेश्वराय नमः शिवाय च नमः शिवाय प्रपंच सृष्टि उन्मुखलाचकाय समस्त संहारक तांडवाय जगज्जनन्ये जगते कवित्रे नमः शिवाय च नमः शिवाय प्रदीप्त रत्नोत्पल कुंडलाय स्फुरन महापन्नक भूषणाय शिवान्विताय शिवान्विताय नमः शिवाय च नमः एतत्पदेदष्टकमिष्टतमो भक्त्या समान्यो भवदीर्घजीवी प्राप्नोति सौभाग्यमनंत कालम भूयात् सदा तस्य समस्त सिद्धि प्रभु का स्तोत्र बोल रहा है। क्या बोल रहा है? स्तोत्र बोल रहा है। हाँ, प्रभु का स्तोत्र बोल रहा है। उसको मन में थोड़ा भी रंज नहीं है कि मेरा उम्र खत्म हो जाएगा, मेरा प्राण निकल जाएगा। उसको एक ही लग रहा है कि प्रभु मेरे साथ हैं तो मुझे कुछ नहीं होने। क्या लग रहा है? हाँ, बाहर से जंगलों में घूम के बारीक कोमल हरा भरा एकदम बगर छेद छेद रहित कांटा रहित बेल पत्तियां तोड़ के लाए हुए हैं और उन पत्तियों को चढ़ा चढ़ा के प्रभु को रिझा रहे हैं। ओम शिवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम पिनाकिने नमः, ओम शशिशेखराय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम कपर्दिने नमः, ओम नीललोहिताय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम शूलपाणिने नमः, ओम घटबांगिने नमः, ओम विष्णुवल्लभाय नमः, ओम चिपिविष्टाय नमः, ओम अंबिकानाथाय नमः, ओम श्रीकंठाय नमः, ओम भक्तवत्सलाय नमः, ओम भवाय नमः, ओम सर्वाय नमः, ओम त्रिलोकेशाय नमः, ओम सितिकंठाय नमः, ओम शिवाप्रियाय नमः, ओम उग्राय नमः, ओम कपालिने नमः, ओम कामारे नमः, ओम अंधकासुरसूदनाय नमः, ओम गंगाद्राय नमः, ओम ललाटक्षाय नमः, ओम कालकालाय नमः, ओम कृपानिधे नमः, ओम भीमाय नमः, ओम परस्वस्थाय नमः, ओम मृगपाणे नमः, ओम जटाद्राय नमः, ओम कैलासवासिने नमः, ओम कवचिने नमः, ओम कठोराय नमः, ओम त्रिपुरांतकाय नमः, ओम ऋषंगिने नमः, ओम ऋषभारूढाय नमः, ओम भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः, ओम सामप्रियाय नमः, ओम स्वरमयाय नमः, ओम त्रयीमूर्तये नमः, ओम मनीश्वराय नमः, ओम सर्वज्ञाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः, ओम अभिषे नमः, ओम यज्ञमयाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम पंचभक्त्राय नमः, ओम सदाशिवाय नमः, ओम विश्वेश्वराय नमः, ओम वीरभद्राय नमः, ओम गणनाथाय नमः, ओम प्रजापतये नमः, ओम हिरण्यरेतसे नमः, ओम दुर्दर्शाय नमः, ओम गिरीशाय नमः, ओम गिरीशाय नमः, ओम अनघाय नमः, ओम भुजंगभूषणाय नमः, ओम भर्गाय नमः, ओम गिरिदंडने नमः, ओम गिरिप्रियाय नमः, ओम कृतिभाससे नमः, ओम पुराराते नमः, ओम भगवते नमः, ओम प्रमताधिपाय नमः, ओम मृत्युंजयाय नमः, ओम सूक्ष्मतनवे नमः, ओम जगद्व्यापिने नमः, ओम जगद्गुरवे नमः, ओम व्योमकेशाय नमः, ओम महासेन जनकाय नमः, ओम चारुविक्रमाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम भूतपतये नमः, ओम स्थानवे नमः, ओम आयुर्भुत्न्याय नमः, ओम दिगंबराय नमः, ओम अष्टमूर्ते नमः, ओम अनेकात्मने नमः, ओम सात्विकाय नमः, ओम शुद्धविग्रहाय नमः, ओम शाश्वताय नमः, ओम खंडवरसवे नमः, ओम रजसे नमः, ओम भासविमोचनाय नमः, ओम मृडाय नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम देवाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम अव्ययाय नमः, ओम हरिभूषणे नमः, ओम दंतभिदे नमः, ओम अभ्यग्राय नमः, ओम दक्षाधरहराय नमः, ओम हराय नमः, ओम भगनेत्रभिदे नमः, ओम अभ्यक्ताय नमः, ओम सहस्राक्षाय नमः, ओम सहस्रपदे नमः, ओम अपवर्गप्रदाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम तारकाय नमः, ओम परमेश्वराय नमः, ओम शांबशिवाय महाकालेश्वराय नमः। इधर बिल पत्ती चढ़ा के नमन करते रहे, शिवलिंग को प्रणाम करते रहे। इतने में गबारे के अंदर भयंकर अट्टहास हुआ, प्रकाश हुआ और प्राण घातक यमराज प्रकट हुए। कौन प्रकट हुए? यमराज प्रकट हुए। यमराज किस लिए प्रकट होते हैं? ले जाने के लिए, आप सबको बर्थडे गिफ्ट देने के लिए। हाँ, जो भी बर्थ लिया है उसको एक गिफ्ट मिलेगा, उसका नाम है डेथ। क्या है? डेथ। जन्म ले चुके हो तो मरोगे, ये निश्चित है। और वो गिफ्ट 100% हर आदमी को यमराज देने वाले। क्या करने वाले हैं? हाँ, कोई बोले मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए, बोल सकते हो, आपकी मर्जी। लाने वाला वापस ले जा सकता है। एक ही गिफ्ट ऐसा है धरती में जन्मे हुए सभी को निश्चित स्वीकारनी पड़ती है, तो वो गिफ्ट है मौत। क्या गिफ्ट है? मौत। जो जन्मा है वो मरेगा। मरेगा तो यमराज जैसे ही प्रकट हो गए। 16 वर्ष का है लेकिन पूरा जीवन शिवालय में बिताया। संसार के कोई माया का पता नहीं, दुख सुख का पता नहीं। काला बड़ा यूं दुर्लभ शरीर, भयंकर आकृति, बड़ी बड़ी मूंछियां, विशाल लाल आंखें,
और अट्टहास करता चेहरा और महिष पर बैठा हुआ रूप देख के बच्चा घबरा गया। शिवलिंग को एकदम आलिंगन करके, प्रभु ये कौन आ गया मेरे सामने, ये कौन है? यमराज अपना पास फेंके, लेकिन शिवलिंग पर आलिंगन किए हुए मार्कंडेय जी के साथ वो यमपाश शिवलिंग पर भी जाके गिरा। बच्चा जोर से चिल्लाने लगा, प्रभु मेरे पिताजी ने कहा है संसार बड़ा मूर्ख है बेटा, वो तकदीर पर भरोसा करते हैं। किस पर भरोसा करते हैं? तकदीर पर। घर घर ठोकर खाने से क्या तुझको हासिल होगा, होगा वही जो बंदे तेरे किस्मत में लिखा होगा। हे प्रभु, दुनिया के लोग यही कहते हैं कि होगा वही जो तेरे किस्मत में होगा। अगर किस्मत में होना है वही होना है, तो फिर शंकर के चरण को क्यों पकड़ना? प्रभु मैंने आपके चरण को पकड़ा है तो अब मेरी किस्मत नहीं, आपकी कृपा काम करने वाली है। क्या काम करने वाली है? कृपा। हाँ, ध्यान रखना, आप जितने अनुष्ठान करते हो उस समय ये विश्वास रखना, मेरे अनुष्ठान, मेरी श्रद्धा, मेरी आराधना वाली है। ये विश्वास ही सनातन धर्म का आधारभूत सिद्धांत है। अगर ये विश्वास नहीं होगा तो फिर किस लिए यहाँ बैठ के होमेन लपड़ा करें? मेरे तकदीर में जो होना है वही होगा, तो फिर आपको धंधा करने की क्या जरूरत न, दुकान में बैठ के माल कमा रखने की क्या जरूरत न, बेचने मेहनत करने की क्या जरूरत? पैसा अपने आप गटरी बन के गिरेगा कि नहीं? तकदीर में लिखा हुआ नहीं होगा, पुरुषार्थ किया हुआ होगा। क्या होगा? पुरुषार्थ किया हुआ होगा। जो जैसी पुरुषार्थ करेगा वो वैसे पाएगा। हाँ, जब बच्चा रोने लगा, चंद्रशेखर 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 पातु माम, चंद्रशेखर 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 रक्ष माम, चंद्रशेखर 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 पातु माम, चंद्रशेखर 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 रक्ष माम। प्रभु का धुन ऐसा लगा, अगर दिल से प्रभु को पुकारोगे, दिल में से ही प्रभु प्रकट हो जाएंगे आप। प्रभु सामने शिवलिंग से हाथ में त्रिशूल डमरू लेते हुए विशाल अपने नेत्रों से यमराज को क्रोध का दृष्टि डालते हुए प्रकट हो गए। बच्चा देखा कि जिनकी पूजा 16 वर्ष से कर रहा था, आज अभय देने वो मेरे सामने प्रकट हो गए। रोते आंसुओं से प्रभु के चरण पकड़ लिया। उसको मालूम नहीं है कि इतने बड़े प्रभु है तो दूर से वंदन करूं कि सम्मान करूं। अगर कितने भी बड़ी शक्ति शिव ब्रह्मा महेश विष्णु क्यों ना हो, अगर आपके दिल में उनके प्रति श्रद्धा है तो वो आपके बहुत ही कनिष्ठ ही हैं, आपके बहुत ही करीबी ही हैं। शंकर जी का चरण पकड़ के बच्चा रोवे। शंकर जी ने देखा कि तूने इस बच्चे पर कैसे डाला यमपाश, ये मेरा भक्त है। प्रभु आपने वरदान दिया 16 वर्ष का होगा, तो 16 वर्ष पूरा हो गया, ले जाना तो पड़ेगा, ये आपका बनाया विधान है। आपके विधान को टालने वाला मैं कौन होता हूँ? आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करने के लिए मैं इसके प्राण ले जा रहा हूँ। अच्छा, मैंने वरदान दिया, आज तुझे लात मारा ना, इस लात के कारण मेरा भी महिमा बढ़ गया। शंकर कहते हैं तू काल था, तुझे लात मारने के कारण मैं महाकाल बन चुका हूँ। आज काल को भी मारने वाला मैं महाकाल, आज वरदान देता हूँ इस बच्चे को, आज से ये सदा के लिए 16 वर्ष का अमर चिरंजीवी होगा, कभी 16 वर्ष से ज्यादा होगा ही नहीं। अब देखो भक्ति ने तकदीर बदला दिया कि नहीं, आप बताओ। तो आगे से मंदिर जाओ तो तकदीर के चक्कर में मत पड़ना, पुण्य के चक्कर में मत पड़ना, भक्ति के पुरुषार्थ में पढ़ना। जितनी भक्ति पुरुषार्थ करोगे उससे ज्यादा प्रभु आपको दे देंगे। दूसरे लोग मृगंड रुचि के पहले पीछे जितने हुए सब 100 वर्ष में मर गए। कितने वर्ष में? 100 वर्ष में। और देखो ये मार्कंडेय जी 16 वर्ष लेके आए थे चिरंजीवियों में, आज उनका भी नाम है हनुमान जी की तरह, अश्वत्थामा की तरह, आज वो जीवित हैं, हमारी कहानी सुन रहे हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं, क्योंकि वो अमर हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? अमर हो चुके हैं। जैसे हनुमान जी जहाँ राम नाम लिया जाता है वहाँ पहुँच जाते हैं,
आज भी मार्कंडेय जी जहाँ शिव नाम लिया जाता है वहाँ पहुँच जाते हैं और उस जगह में अदृश्य कृपा बरसाते हैं। हम प्रार्थना करें मार्कंडेय ऋषि महाराज, हम पर ऐसी कृपा करो कि आप में जो भक्ति आई अंतकाल में भी प्रभु भक्ति। कैसी भक्ति? प्रभु भक्ति। हाँ, अंतकाल में कोमा में पड़े रहे, नलियां लगी हो या धन दौलत पर दिमाग लगा हो, आपके चरण पर जिसका दिमाग लग गया उसके अमर होने में संदेह क्या है? प्रभु आप बताइए, उसके अमर होने में संदेह क्या है? इसलिए मेरी बहनों भाइयों मेरी बच्चियों, कभी मेरा तकदीर में क्या लिखा ज्योतिष के पास मत जाना, मेरा तकदीर कैसा किसी को देखने मत जाना। मैं कृष्णगिरी जाऊंगी, मेरे तकदीर को बदला के आऊंगी।